हाय दोस्तों, स्वागत है आपका नथिंग टीम में। मैं आपका होस्ट अजय गुप्ता। आज आपके लाया हूँ जेनफोन मैक्स का रिव्यू। तो चेक करते हैं ये फोन खरीदने लायक है या नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एक शानदार 5.5 इंच का डिस्प्ले है। ऊपर से ये फोन जेस्चर फीचर भी सपोर्ट करता है। डबल टैप से आप स्क्रीन ऑन ऑफ कर सकते हैं। और खास बात है कि डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 से प्रोटेक्टेड है, तो ये एक तरह से स्क्रैच भी नहीं होएगा और आपको डरने की ज़रूरत नहीं। डिस्प्ले आसानी से नहीं टूट सकता। उसके बाद करें फ़ोन की, तो देख सकते हैं लुक्स बहुत शानदार हैं। सीधा मैं परफॉर्मेंस पे आता हूँ। इसकी परफॉर्मेंस मापने के लिए मैंने इस पर एंटूटू बेंचमार्क चलाया। 2 GB रैम है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 410 प्रोसेसर है, जिसके मायने ये हैं कि फ़ोन हीट नहीं करता। आप कितनी भी देर मूवी देखिए या गेमिंग करिए, एक शांत फ़ोन है, गर्म नहीं होता। तो आप देख सकते हैं 25,000 का स्कोर आप कहेंगे कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसमें गेम्स चलाए, वॉकिंग वॉर रोबोट, डेड ट्रिगर 2 जैसे गेम, और ये बहुत हैवी गेम है, ऑनलाइन गेम है, नेट कनेक्शन चाहिए होता है, वो भी 3G या वाईफाई की अच्छी स्पीड के साथ। और इस फ़ोन ने बखूबी ये गेम चलाए। मैंने आधे इवन 1 घंटे तक गेमिंग की, फ़ोन कोई हीट नहीं हुआ और हैंग भी नहीं हुआ। सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। अपडेट के बाद इसका यूज़र इंटरफेस एकदम आराम से काम करता है, काफ़ी स्टेबल यूआई बन चुका है। कैमरा की बात करें, 13 MP का रियर कैमरा डुअल टोन फ्लैश के साथ, और हमारे पास लेज़र ऑटो फोकस भी है। 5 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। तो मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ। तो ये क्रिकेट बॉल जो है मेरे पास, उसका इमेज लिया गया था इसके कैमरे के द्वारा, और फ्लैश ऑन था। ये देखिए कितना ज़्यादा जूम किया है, डिटेल देखिए ज़रा दोस्तों, क्या बेहतरीन डिटेल है, क्या नेचुरल कलर आए हैं। येलो टिंज बिल्कुल नहीं आता फ्लैश ऑन करने पे, जो कि कई कैमरा में प्रॉब्लम रहता है। तो ये सब फोटोज तो अच्छे आए हैं। फ्रंट, ये बाहर का फोटो आप देखिए, अच्छा सीनरी है और क्या कमाल शानदार फोटो आया है। क्लोजअप नहीं है, कलर्स अच्छे हैं और मैं तो इसके कैमरे से बहुत खुश हूँ। ये फ्रंट कैमरा पे आएंगे, लेकिन ये देखिए एक क्लोजअप शॉट जो ऑब्जेक्ट फोकस में है, तो कितना बढ़िया क्लोजअप शॉट आया है। कलर्स देखिए लाजवाब। और यही बात है 5 MP के फ्रंट कैमरा की। आप देख सकते हैं ये विना ब्यूटिफिकेशन मोड ऑन किए था, क्या बढ़िया फोटोग्राफ आई है, क्या शानदार फोटो आई है। और ये ब्यूटिफिकेशन मोड ऑन के साथ, मैं इतना ब्यूटिफिकेशन मोड प्रेफर नहीं करता क्योंकि फ़ोटो थोड़ी अननेचुरल सी हो जाती है, असली सी नहीं लगती। लेकिन जो लोग शौकीन हैं ब्यूटी मोड के, तो कैमरा बहुत ही अच्छी डिटेल और कलर दे रहा है। तो मैं जेनफोन मैक्स के कैमरे से बहुत खुश हूँ। और मैक्स की बात करें तो मैक्स इसलिए है क्योंकि इसमें बैटरी है 5000 mAh। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 5000 mAh की बैटरी। बैक प्लेट रिमूव हो जाती है और प्लास्टिक की बैक प्लेट है, लेकिन एक पैटर्न दिया गया है जिससे स्मजेस और निशान आसानी से नहीं पड़ते, पड़ भी जाएं तो आसानी से हटाए जा सकते हैं। 2 SIM कार्ड स्लॉट हैं और एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, और फ़ोन USB OTG भी सपोर्ट करता है। ये मैं पहले ही पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ। देख सकते हैं कितनी बड़ी बैटरी है, बैटरी आराम से 2.5 दिन चलती है। आप काफ़ी हैवी यूज़ कर लें, 2 दिन तो चलेगी ही चलेगी, 3 दिन भी चल सकती है अगर आपका यूसेज इतना नहीं होता, बैटरी निकाल नहीं सकते। और एक शानदार बात है, आप इस बैटरी से, ये फ़ोन में रिवर्स कनेक्टिंग वायर दिया गया है, तो आप इसके द्वारा किसी और फ़ोन को भी आसानी से चार्ज कर सकते हैं। फ़ोन, टैबलेट या और भी कोई डिवाइस है तो आप इस कनेक्टर के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। तो ये फ़ोन एक आपका पावर बैंक का भी काम करता है, और क्यों ना करे, 5000 mAh की बैटरी जो है। एक ये फन फीचर दिया गया है, क्योंकि लेज़र लगा है पीछे, तो आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माप सकते हैं। देखिए अब मैं इसको पास लाता हूँ तो ये डिस्टेंस बढ़ गया 25.5 सेंटीमीटर। और मज़े की बात है, ये आपका फीचर काम करता है बिना लाइट के भी, तो कोई लाइट नहीं है। और ये देखिए
ये अभी भी काम कर रहा है, डिस्टेंस बढ़ गया तो 25 सेंटीमीटर कम कर देते हैं। टैप किया और 9.9 सेंटीमीटर, कितना मस्त फीचर है। तो दोस्तों ये कहानी थी Zenfone Max की। मैं खुश हूँ इस फोन से। 10,000 रुपये में इतनी बड़ी बैटरी, मुझे बैटरी बड़ी चाहिए होती है। डिस्प्ले काफी तगड़ा है, काफी सॉलिड है, क्योंकि इस पे कॉर्निंग गोरिल्लास 4 है। आप देख सकते हैं कितना खूब है। फुल HD नहीं है, HD डिस्प्ले, लेकिन काफी अच्छा है। उसके बाद प्रोसेसर से मैं खुश हूँ। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 410 डला हुआ है, जो कि हीट नहीं होता। मेरे हैवी गेम्स तो इसमें चल गए, आपके भी चलेंगे। और ऑल इन ऑल एक काफी बढ़िया फोन है। और असुस के फोनों में एक दिक्कत, लोग कहते हैं कि स्पीकर काफी तेज नहीं है, तो इस फोन में वो दिक्कत नहीं है। स्पीकर बहुत तेज है। तो ये मैंने अपना ही एक वीडियो चलाया है। तो आपने देखा कितनी तेज थी साउंड आउटपुट, क्या बढ़िया साउंड आउटपुट है Zenfone Max में। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेरीज हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर, अपना कमेंट कमेंट बॉक्स में लीव कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगली बार।